तो वहीं भोपाल की बात करें तो कोरोना के बाद H3N2 ने दस्तक दे दी है। H3N2 पर MP सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, तो ये पहला केस पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा चौकन्ना देखने को मिल रहा है। CM शिवराज ने जरूरी इंतजामों की मॉनिटरिंग की शुरू कर दी है, तो वहीं संक्रमण संबंधी लक्षणों होने पर फौरन जांच कराए जाने के आदेश दिए हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, शुगर, हार्ट, लीवर और किडनी, कैंसर और श्वास सहयोगियों को H3N2 के संक्रमण का खतरा ज़्यादा बताया जा रहा है। तो पहला केस पॉजिटिव मिला H3N2 का, जिसमें CM शिवराज सिंह चौहान जरूरी इंतजामों के पुख्ता नज़र बनाए रख रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। तो कुलभूषण, जिस तरीके से H3N2 का पहला केस मिला है, इसको देखते हुए हॉस्पिटल की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और सरकार इस पे क्या रुख आजमाएगी अपना? राजधानी की बात करें तो H3N2 का मध्य प्रदेश में पहला केस भोपाल में मिला है। इसको लेके मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा बैठक की थी। स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए थे कि लोगों से अपील करें और जो बेमौसम बारिश हो रही है इस पे भी सतर्क रहने की बात डॉक्टर विशेषज्ञों की तरफ से लगातार की जा रही है कि बारिश पे गीला ना हो, ठंडी चीजें का सेवन जो है वो ना करें, क्योंकि सर्दी जुकाम फीवर के साथ ही इस वायरस की चपेट पे लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का ये दूसरा रूप है, क्योंकि इसमें सबसे पहले सर्दी होती है, फिर जुकाम आता है, फिर खांसी होती, तकरीबन 15 दिन तक लगातार जो है बुखार, सर्दी, जुखाम बना रहता है। भोपाल के बैरागढ़ में जो है एक 25 साल के युवक को H3N2 संक्रमण हुआ था। हालांकि होम आइसोलेशन किया गया, परिजनों के भी जो है टेस्ट लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन युवक जो है खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इसको लेके मध्यप्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है और लगातार लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना पहुंचे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क जरूर पहने। ऐसे तमाम जो नियम कोविड के दौरान लागू किए गए थे, इन नियम को फॉलो करने के बाद जो है सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोबारा करता हुआ नजर आ रहा है। जी कुलभूषण, नजर बनाए रखें आप इस जानकारी।